शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा सच ही कहा गया है कि अगर जीतने का जज्बा हो तो मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक ही देंगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही कर दिखाया है भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने। नमस्कार, मैं जुगल किशोर। पैर में चोट लगने के बावजूद भी हिम्मत न हारने वाली भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सोमवार को मैट पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विनेश ने 18वें एशियाई खेलों में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा के फाइनल में जापान की इरियुकी को मात देकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। विनेश एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। उन्होंने 2014 में इंचियोन में खेले गए पिछले संस्करण में कांस्य पदक जीता था। इस बार वह अपने पदक का रंग बदलने में सफल रही। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश ने शुरू से ही जापानी खिलाड़ी को दबाव में रखा। विनेश ने पहले राउंड में शुरुआत में 4 अंक लिए। इसके बाद विनेश ने जापानी खिलाड़ी को मैट पर गिराया, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने शानदार डिफेंस करते हुए अपने कंधों को जमीन पर नहीं लगने दिया। पहले राउंड में विनेश 4-0 से आगे थी। दूसरे राउंड में विनेश ने अपने मजबूत डिफेंस से समय जाया किया। इसी बीच इरी 1 अंक लेने में सफल रही। अंत में विनेश ने इरी को पटखनी देते हुए 2 और अंक लेकर 6-2 से मुकाबला अपने नाम कर पहली बार सोने का तमगा अपने गले में डाला। विनेश को सेमीफाइनल मैच में पैर में चोट लग गई थी, बावजूद इसके वो रुकी नहीं और फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर सफलता हासिल किया।